स्थापना हुई थी, तब से देश भर में इसका कार्य निरंतर विस्तार ले रहा है। कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाट्य, इन सब विधाओं में प्रमुख रूप से संस्कार भारती कार्य करती है। आपको जो एक बैग दिया है, इस पे पुस्तक है संस्कार भारती क्यों, और संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी द्वारा लिखित पुस्तक है। आप थोड़ा समय निकाल के उसका अध्ययन करेंगे तो आपको कल्पना हो जाएगी कि संस्कार भारती का महत्व क्या है। समाज जीवन में हम भारतीय दृष्टि उत्पन्न कर पाए हर क्षेत्र में, इस दृष्टि से संस्कार भारती की स्थापना हुई। और ये सौभाग्य है कि देश के लगभग सब विधाओं के प्रमुख हस्ताक्षर संस्कार भारती से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे हैं। अनेक पद्म सम्मानों से अलंकृत रंगकर्मी, कलाकार सब संस्कार भारती से जुड़े हैं और सबकी सदैच्छा और सक्रिय सहयोग से संस्कार भारती का काम निरंतर बढ़ रहा है। आज का ये जो मिलन है, मुख्य रूप से हम इसलिए कर रहे हैं कि 22 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है, तो समाज में इस भारतीय नववर्ष के बारे में लोगों में एक जागृति आए, इस दृष्टि से हम इसका आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष। बीच में कोरोना के कारण से ये थोड़ा अवरुद्ध रहा। पिछले वर्ष यह कार्यक्रम हमने झंडेवाला माता मंदिर में किया था, जिसमें अच्छा प्रतिसाद मिला था। जैसे 3 वर्ष पूर्व हम लोग करते थे यमुना के तट पर वजीराबाद पुल के पास, वहाँ इस बार यह कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे होगा। उसका निमंत्रण आपको विधिवत मिला ही है। आप वो आएंगे तो आपको कल्पना होगी कि किस प्रकार से उत्साह के साथ सामान्य नागरिक भी वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर नृत्य भी होगा, कविता भी होगी, गीत संगीत भी होगा, और साथ में सूर्य की पहली किरण को हम लोग अर्घ्य देंगे और वहाँ पर पुष्पांजलि होगी, दीपांजलि होगी। तो ये सब व्यवस्था वहाँ पे हमने की है। लाइव पेंटिंग वहाँ पर होगी, भारतीय सरोकारों को प्रदर्शित करते हुए दिल्ली के प्रमुख चित्रकार वहाँ पर लाइव पेंटिंग करेंगे। ये अपने आप एक अनूठा वहाँ का दृश्य होता है। तो सूर्य की पहली किरण को हम लोग अर्घ्य देने के बाद ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। उसमें हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी को मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है रहने के लिए। संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख माननीय नरेंद्र कुमार जी का विशिष्ट उद्बोधन होगा, उनका मुख्य वक्ता वो रहेंगे। और दिल्ली के विधायक विश्वास नगर से श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, उनकी विशिष्ट उपस्थिति होगी। और समाज के सब क्षेत्रों के लोग उसमें आएंगे, युवा साथी, कलाकार, ये सब तो होंगे ही समाज नागरिकों के साथ में। तो उद्देश्य यही है कि आपके माध्यम से इस कार्यक्रम की पूर्व सूचना लोगों तक पहुंचे, तो लोग वहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित हों और जो एक राष्ट्र भाव जागरण करने का उद्देश्य है वो सफल हो पाए। एक छोटी सी भूमिका मैंने आपके समक्ष रखी है, इसमें किसी बात किसी विषय में कुछ और आपको पूछना हो। जी आदरणीय, ये आपने कहा कि चित्रकला का सजीव चित्रण भी होगा वहाँ पे, कौन ऐसे मुख्य कलाकार मुख्य आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पेंटिंग करेंगे? आपने कहा मुख्य आर्टिस्ट, इस बारे में मैं कहूँगा देवेंद्र जी हमें कुछ बताएंगे कि हमारे वो चित्रकला प्रमुख को मुख्य रूप से देवेंद्र जी देखते हैं, हमारे उपाध्यक्ष। इस